हाँ जी सर, मीडिया पर्सन मैं भूपित सभा का राजपूत सभा का प्रेसिडेंट होने नाते अज इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाखिल करना और मैं दसना चाहना कि टिकट बस्ती के जबरदस्ती के नारायण सिंह और उन्हें डिबार किया गया अदालत ने फाइनल ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते हैं इसमें क्यों कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर ने डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जोड़ा है त्रै साल के अंदर अंदर इलेक्शन होनी चाहिए लेकिन 14 साल की इतना इलेक्शन नहीं हुई है इस वास्ते प्रेजिडेंट नहीं आए इन्हें डिबार किया गया और दूसरी चीज यह है कि कोई किसी भी पार्टी का बंदा जोड़ा है वह इस सभा छेती राजपूत सभा का प्रेजिडेंट नहीं हो सकता इस वास्ते डिबार किया गया और दसिया गया कि प्रॉपर्टी जी मिस्टर ऑपरेट करा दे टेनेंट भी दबाव किया गया कि वह किसी पैसा बिल्कुल नहीं दे और अपनी अदालत भी जमा करा इस गल बरादरी असं आखिया कि बरादरी साड़ी अवैध है और सानू सजेशन दिया कितनी जल्दी अस क्या करी सप्राइज सकते सजेशन साढ़े कहने अमदान करें अस इलेक्शन कराना चाहते हैं अपनी खेती राजपूत सभा की ताकि इलेक्टेड प्रेजिडेंट आवे और काम थोड़े अस गल फिर हासिल करें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हम अवगत कराना चाहते हैं बरादरी को और जनता जनार्दन को कि अमर क्षेत्रीय रायपुर सभा का जो झंझट झगड़ा चल रहा था उसमें अदालत ने इनको प्रेसिडेंट अमर क्षेत्रीय रायपुर एक्स प्रेसिडेंट क्षेत्रीय सभा का ये जो वाइस प्रेसिडेंट नारायण सिंह जी इनको डिबार किया गया है ना ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ना पैसा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का है ना ये ले सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तौर पर भी इनको अदालत ने कह दिया है कि इलेक्शन जो है 3-3 साल के थी इसकी इलेक्शन नहीं 17 साल से हुई है 2003 के बाद इलेक्शन भी नहीं इसकी हुई है इसलिए ही इज़ ए पर्सोना नॉन ग्राटा ये काम नहीं कर सकता ना ही प्रेसिडेंट रह सकता है ना ही ये ट्रांजैक्शन सभा की तरफ से कर सकता है ना ही किसी को एग्रीमेंट दे करके दुकानें दे सकता है इसमें से दूसरा चीज़ ये है कि जब ये वाइस प्रेसिडेंट चुनेंगे नेशनल पार्टी के तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि कोई भी आदमी जो पॉलिटिकल पार्टी का अहदेदार होगा वो इसका प्रेसिडेंट नहीं हो सकता तो ये प्रेसिडेंट कैसे रह सकते हैं अदालत ने इसको डिक्लेयर किया कि ये प्रेसिडेंट नहीं रह सकते और ना ही ये काम कर सकते हैं देयरफॉर ही इज डिबार्ड टू वर्क एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमर क्षेत्रीय रायपुर सभा और इसी गर्ज के लिए हम भी चाहते हैं लोगों को यहाँ पर रायपुर बरादरी को अवगत कराना चाहते हैं वो आए यहाँ पर और जो डाक कमेटी की जो बनी हुई है वहाँ पर मुझे प्रेसिडेंट उन्होंने बनाया मैं इमीडिएटली इलेक्शन इनकी कराऊँ ताकि प्रेसिडेंट वो वहाँ पर आए और वो काम काज इसको अच्छी तरह से सुचारू रूप से करे उसमें से और किराया जो है टेनेंट का उनको कहा बिल्कुल इनको ना दिए जाए वो अदालत में जमा कराएं ना हमारे पास हो तो ना ही इनके पास जाए उसमें अदालत में जमा कराए अदालत जिसको मुनासिब समझेगी उसको देगी उसमें से थैंक यू वेरी मच।